इसीलिए दुनिया में इज्जत होती है। इसके बीच में दराड़ मत डालिए राशिद अलवी, दीवार मत खड़ी कीजिए। मेरे साथ यहाँ पंडित साहब बैठे हैं, उनकी बात आप डेढ़ मिनट सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी इज्जत दिलाई है आपने दोनों धर्मों को, कितना सम्मान दिलाया उनकी बच्चियों को, कितना हक दिलाया उनको इस देश में अपनी जमीन पर रहते हुए। बोले पंडित साहब। राशिद अलवी साहब, हम जब अपने लिए शरणार्थी का दर्जा मानते हैं तो लोग कहते हैं क्योंकि आपने भारत की सीमा पार नहीं की इसलिए आपको शरणार्थी नहीं कहा जा सकता। हम कहते हैं कि ठीक है, हमें इंटरनली डिस्प्लेस्ड, अंदर ही विस्थापित मान लीजिए। तो वो कहते हैं जब तक आपकी सरकार आपको इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल नहीं बताती, यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी सरकार ना हमें शरणार्थी का दर्जा देती है ना इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का दर्जा देती है, क्योंकि यदि इन दोनों दर्जों में से कोई दर्जा दिया जाए तो उन पर कुछ बातें लाजिम होती हैं, उन्हें फिर कुछ शरायत के तहत हमें वापस घर भेजने की मजबूरी है। उन्हें हमारे खिलाफ जो हत्याएं हुई हैं उसका दंड निर्धारित करने की मजबूरी है। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में आज तक उन सैकड़ों हत्याओं बलात्कारों का एक भी मुजरिम तय नहीं किया गया है? यासीन मलिक के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा FIR हैं, बिट्टा किराटे के खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हैं। आज तक एक हत्या, एक बलात्कार, एक आगजनी की अपवाद के रूप में भी सजा तय नहीं हुई है। मुलजिम को आज तक दोषी करार नहीं दिया गया, मुकदमा नहीं चला गया है। आपको लगता है कि इस देश में कानून व्यवस्था है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? सब लोग जिस संविधान का राग अलाप रहे हैं, इन 5 लाख विस्थापितों की, इन सैकड़ों हत्याओं बलात्कारों की आज तक तफ्तीश होकर सजा तय नहीं हुई है, इस पर किसी को शर्म आती है क्या? आप किस हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं? घाटी हिंदुओं से खाली करा ली गई है, आपको इस पर कभी शर्म आई है क्या? आपने किसी से सवाल पूछा है क्या? आपने इस बारे में कुछ किया है क्या? आपको शीशे में देखना चाहिए जिस शीशे का आप जिक्र कर रहे थे, तब मुझे बताइए आपको अपनी शक्ल कैसी नजर आती है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बड़े नेता हैं, एक बड़ा दल चलाते हैं, 10 साल सरकार चला चुके हैं, क्या किया है आपने घाटी के हिंदुओं के लिए? क्या किया है आपने अपने सेक्युलरिज्म के लिए? क्या किया है आपने अपने संविधान के लिए? कुछ जवाब है आपके पास? मैं इंतजार कर रहा हूं पंडित साहब, थोड़ा सा पानी।